नमस्कार दोस्तों, NIUS के DLED कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम और आप मिलकर पाठ्यक्रम के विषय पत्र 503 के अंतर्गत पाठ योजना के घटक शीर्षक पर चर्चा करेंगे। पाठ योजना के घटक, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, पाठ योजना के 6 मुख्य घटक होते हैं। पहला, पाठ्य वस्तु, शिक्षण उद्देश्य, शिक्षण विधि, विद्यार्थी, संसाधन और मूल्यांकन। पाठ्य वस्तु अर्थात वो कंटेंट जो निर्धारित करे कि क्या पढ़ाना है, क्या सिखाना है। शिक्षण उद्देश्य, निर्धारित करना क्यों पढ़ाना है, क्यों सिखाना है। शिक्षण विधि, कैसे पढ़ाना है। विद्यार्थी, किसे पढ़ाना है। संसाधन, क्या क्या सामग्री प्रयोग की जानी है। और मूल्यांकन, जो पढ़ाया गया या जो पढ़ाया जाएगा उसकी जांच करना। तो इस प्रकार से पाठ योजना के 6 मुख्य घटक होते हैं। दोस्तों, अब हम एक एक करके इन पर चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि पाठ योजना के अंतर्गत पाठ्य वस्तु का निर्धारण करते समय शिक्षक को किन किन तथ्यों को ध्यान में रखना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले जो शिक्षक को ध्यान रखना होगा वो है विद्यार्थियों का सीखने का स्तर। पाठ योजना में जिस भी विषय वस्तु का चयन किया जाए वो विद्यार्थियों के सीखने के स्तर के अनुरूप ही होना चाहिए। विद्यार्थी यदि प्राथमिक स्तर पर हैं या माध्यमिक स्तर के हैं या उच्च माध्यमिक स्तर के हैं तो उनके अनुरूप ही विषय वस्तु का चयन किया जाना चाहिए। इसी प्रकार विषय वस्तु की प्रस्तुति का क्रम सरल से कठिन की ओर होना चाहिए। चाहे वो किसी भी कक्षा स्तर के हों, प्रस्तुति का क्रम सरल से कठिन की ओर ही होना चाहिए। तीसरी महत्वपूर्ण बात जिसे शिक्षक को ध्यान में रखना होगा कि पाठ्य वस्तु ऐसी चुनी जाए जिसे कक्षा की वास्तविक परिस्थितियों में पढ़ाना संभव हो। ऐसी विषय वस्तु का चयन जो वास्तविक परिस्थितियों से संबंधित नहीं है, जो वास्तविक परिस्थितियों में पढ़ाना जिसे संभव नहीं है, ऐसी विषय वस्तु का चयन नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा शिक्षक को ये ध्यान रखना चाहिए या ये ध्यान रखना होगा कि जब वो पाठ्य योजना बनाए तो उस पाठ्य वस्तु के संबंध में छात्रों के पूर्व ज्ञान का क्या स्तर है, इसका भी उसे अनुमान होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए। दोस्तों, इसके साथ साथ शिक्षक को यह भी देखना होगा कि जिस पाठ योजना को वो बना रहा है उस पाठ योजना की विषय वस्तु पिछले पाठ से संबंधित हो, ताकि उनमें आपस में एक सुसंबद्धता निर्धारित किया जा सके। तो वर्तमान पाठ की क्रियाओं का नियोजन पिछले पाठ से संबंधित करके ही किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ अध्यापक को यह भी ध्यान रखना होगा कि पाठ में या विषय वस्तु में जिन अवधारणाओं, जिन तथ्यों की पुष्टि हुई है वो उनको खुद समझे, उपयुक्त ढंग से समझे और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत भी करे। यदि वो उन अवधारणाओं और तथ्यों के संदर्भ में स्वयं स्पष्ट नहीं है तो वो उनकी प्रस्तुति प्रभावी ढंग से नहीं कर पाएगा। तो शिक्षक को स्वयं उन अवधारणाओं को स्पष्ट करना होगा, समझना होगा और तब कक्षा में प्रस्तुत करना चाहिए। दोस्तों, अध्यापक को यह भी ध्यान में रखना होगा कि निर्धारित उद्देश्यों के अनुरूप संपूर्ण पाठ में से कौन सा भाग वो चयन करे ताकि निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। दोस्तों, पाठ योजना का दूसरा महत्वपूर्ण घटक होता है शिक्षण उद्देश्य या टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स।
पाठ योजना बनाने से पूर्व शिक्षक को पाठ्य वस्तु के अनुरूप, जो कि इसका पहला घटक होता है, उसके अनुरूप सामान्य उद्देश्यों का चयन करना होता है और इन सामान्य उद्देश्यों का चयन करने के साथ साथ उसको विशिष्ट उद्देश्यों का भी चयन करना होता है। भाषा के विशिष्ट संदर्भ में कहने का तात्पर्य यह है कि विशिष्ट उद्देश्य किस पक्ष से संबंधित हैं। वो भाषा के शिक्षण से संबंधित हैं, साहित्य के शिक्षण से संबंधित हैं या रचना कार्य के शिक्षण से संबंधित हैं। तो उस प्रकार उसके अनुरूप विशिष्ट उद्देश्यों का चयन करना और इसके साथ साथ उनको चयन कर उन्हें व्यवहारिक पदों में लिखना का भी कौशल शिक्षक में होना चाहिए। व्यवहारिक पदों में या अधिगम अनुभवों में लिखने का तात्पर्य यह है कि शिक्षक को यह पता होना चाहिए कि जो वो पढ़ाने जा रहा है उसके पढ़ाने के पश्चात विद्यार्थी में कौन कौन से अधिगम अनुभवों का समायोजन हो सकेगा, अर्थात विद्यार्थी क्या क्या सीख सकेंगे। भाषा के संदर्भ में विशिष्ट उद्देश्य पर चर्चा करना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि भाषा अपने आप में बहुत सारे उद्देश्यों को समाहित किए हुए है। भाषा के विशिष्ट संदर्भ में उद्देश्यों का चयन करने का तात्पर्य कि क्या भाषा के पक्ष से संबंधित है, क्या वो साहित्य के पक्ष से संबंधित है, क्या वो रचना कार्य से संबंधित है। तो इस प्रकार से भाषा के संदर्भ में विशिष्ट उद्देश्यों में विविधता होती है। ज्ञानात्मक उद्देश्य भाषिक और साहित्यिक तत्वों के ज्ञान से संबंधित होता है। कौशलात्मक उद्देश्य भाषाई कौशलों के विकास से संबंधित होता है। रसात्मक उद्देश्य साहित्य का रसास्वादन करने और रसास्वादन करने की क्षमता के विकास से संबंधित होता है। सृजनात्मक उद्देश्य मौलिक और लिखित अभिव्यक्ति करने के कौशल से संबंधित होता है। और इसी प्रकार अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य छात्रों में सद्वृत्तियों के विकास से संबंधित होता है। तो भाषा के संदर्भ में विशिष्ट उद्देश्यों में विविधता होती है। तो पाठ योजना बनाते समय शिक्षक को ये बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है कि उसकी विषय वस्तु किस उद्देश्य को प्रमुखता देती है और उसके अनुरूप अपने उद्देश्यों का चयन करना और उनको व्यवहारिक पदों में उसको लिखना होता है। पाठ योजना का तीसरा महत्वपूर्ण घटक होता है शिक्षण विधि। बिना इसके कुछ भी निर्धारित कर लिया जाए, विषय वस्तु तय कर ली जाए, उद्देश्य तय कर लिए जाए, लेकिन उपयुक्त विधि के अभाव में सब निरर्थक है। शिक्षण विधि के अंतर्गत पाठ योजना के समय शिक्षक को ये ध्यान रखना होता है कि वो किस प्रकार की शिक्षण विधि का इस्तेमाल करेगा। क्या वो ग्रुप टीचिंग कर सकता है, क्या वो समूह में पढ़ा सकता है, या समूह में अगर बांटने की आवश्यकता है तो कितने छात्रों का समूह उसको बनाना चाहिए। इसके साथ साथ उसकी प्रस्तुतीकरण की विधि क्या हो, क्या वो शिक्षक केंद्रित होनी चाहिए या वो विद्यार्थी केंद्रित होनी चाहिए। अगर अवधारणा को शिक्षक के द्वारा ही केवल स्पष्ट किया जाना है तो वो विधि शिक्षक केंद्रित होगी, लेकिन यदि अवधारणा पर या पाठ्य वस्तु में आए हुए तथ्यों पर कक्षा में चर्चा करी जाती है, विद्यार्थियों के साथ शिक्षक मिलकर उस पर चर्चा करता है और तब निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है, तो यह विधि विद्यार्थी केंद्रित हो सकती है। तो इस प्रकार शिक्षण विधि का निर्धारण करते समय शिक्षक को ये ध्यान रखना होता है। शिक्षण विधि में ये भी महत्वपूर्ण है कि विद्यार्थियों की सहभागिता का स्तर क्या होगा। कभी कभी दोस्तों विद्यार्थी केंद्रित विधि प्रयोग करते समय कक्षा में अनियंत्रण की स्थिति आ जाती है, यानी अनुशासनहीनता की भी स्थिति आ जाती है, अर्थात कक्षा का वातावरण शोरगुल में बदल जाता है। तो यह भी ध्यान रखना होता है शिक्षक को कि वो किस सीमा तक विद्यार्थियों की सहभागिता का इस्तेमाल करें। इसके अलावा बहुत सारी विधियों के संदर्भ में वो किस सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करें कि जिसके द्वारा
उसके उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके जिसके द्वारा उसका शिक्षण प्रभावी हो सके। इसके साथ साथ प्रस्तुतिकरण में तारतम्यता बनाए रखने के लिए, एक प्रवाह बनाए रखने के लिए किस प्रकार की सहायक क्रियाओं का भी निर्धारण किया जाएगा, शिक्षण विधि का निर्धारण करते समय शिक्षक को ये ध्यान में रखना होता है। तो दोस्तों, शिक्षण विधि का निर्धारण करना बहुत सारे विकल्पों में से किसी एक विषय को यूं ही चुन लेना नहीं है, बल्कि इसके लिए गहन समझ की आवश्यकता होती है, क्योंकि बहुत सारी तत्वों को, बहुत सारी परिस्थितियों को शिक्षक को ध्यान में रखना होता है। पाठ योजना का चतुर्थ घटक है विद्यार्थी। विद्यार्थी तो इसका मुख्य घटक है कह सकते हैं, क्योंकि किसी भी पाठ्य वस्तु का निर्धारण कर लिया जाए, कितने अच्छे उद्देश्यों का निर्धारण कर लिया जाए, कितनी अच्छी शिक्षण विधि का चयन कर लिया जाए, लेकिन यदि वहाँ विद्यार्थी ही नहीं होगा तो पाठ योजना का मतलब ही क्या। इसलिए विद्यार्थी को ध्यान में रखकर ही पाठ योजना का निर्धारण किया जाना चाहिए। यह शिक्षक के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। जब शिक्षक पाठ योजना बनाए तो उसको ये पता होना चाहिए कि उसकी कक्षा के विद्यार्थियों की प्रकृति क्या है, अर्थात क्या विद्यार्थी बहुत अधिक शैतान प्रकृति के हैं, या विद्यार्थी बहुत जीनियस हैं, या औसत भी हैं, सामान्य भी हैं, जीनियस भी हैं, या पिछड़े बालक भी हैं, सभी प्रकार के हैं। किस प्रकार के उसके कक्षा के विद्यार्थियों की प्रकृति है, उनकी रुचि क्या है, उनका परिवेश क्या है, इन चीज़ों को भी शिक्षक को समझना होता है। इसके साथ साथ विद्यार्थी उस पाठ से संबंधित कितनी जानकारी रखते हैं, पूर्व जानकारी, शिक्षक को यह पता होना चाहिए कि विद्यार्थियों का उस पाठ से संबंधित पूर्व ज्ञान क्या है, क्या स्तर है उसका। अगली बात जो विद्यार्थी के संबंध में शिक्षक को ध्यान में रखनी होती है कि वो अपनी कक्षा में विद्यार्थियों के बैठने की व्यवस्था का नियोजन किस प्रकार करे। कहने का तात्पर्य यह है कि कहाँ पर क्या वो आगे की बेंचों पर प्रतिभाशाली बच्चों को बिठाएगा, या पीछे स्लो लर्नर्स बैठेंगे, या स्लो लर्नर्स आगे बैठेंगे, प्रतिभाशाली बच्चे पीछे बैठेंगे, या यह बैठने की व्यवस्था एक सामान्य व्यवस्था होगी कि जिसमें शिक्षक जो है वो किसी प्रकार का दखल नहीं देगा। नहीं दोस्तों, इस चीज़ की भी जानकारी और इस चीज़ की व्यवस्था का भी नियोजन शिक्षक को करना ही होगा, कि ताकि जो है वो उसके द्वारा पढ़ाया गया पाठ्य वस्तु सभी विद्यार्थियों तक समान रूप से पहुँच सके। इसलिए बैठने की व्यवस्था का नियोजन देखना शिक्षक का दायित्व है। इसके साथ साथ कक्षा के विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि या कक्षा की पृष्ठभूमि, कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, किस आयु के हैं, उनकी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि क्या है। आप कहेंगे कि यहाँ पर विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का शिक्षक की पाठ योजना से क्या संबंध। दोस्तों, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि इसलिए महत्वपूर्ण होती है क्योंकि शिक्षक उसी के अनुरूप पुनर्बलन की विधियों का इस्तेमाल कर सकता है। कभी कभी पिछड़ी पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों में आत्महीनता की भावना होती है, वो आगे बढ़कर उत्तर नहीं देना चाहते, आगे बढ़कर नेतृत्व नहीं करना चाहते। उन विद्यार्थियों के लिए अपनी कक्षा शिक्षण अधिगम परिस्थितियों में शिक्षक किस प्रकार की पुनर्बलन विधियों का इस्तेमाल करें कि उनके भी आत्मविश्वास के स्तर को, ऐसे विद्यार्थियों के आत्मविश्वास के स्तर को भी ऊंचा उठाया जा सके। इसके साथ साथ विद्यार्थियों का विषय ज्ञान, विद्यार्थी उस विषय के संबंध में कितना ज्ञान रखते हैं, वो कितना जानते हैं, क्योंकि शिक्षक को उसी के अनुरूप अपनी पाठ्य वस्तु के स्तर को तय करना होगा। अगर विद्यार्थी जो विषय वस्तु पढ़ाई जाने वाली है उसके बारे में पहले से ही बहुत कुछ जानते हैं तो उस विषय वस्तु का स्तर ऊंचा ही रखना होगा शिक्षक को अपनी पाठ्य योजना का निर्धारण करते समय। तो दोस्तों, ये बात बहुत महत्वपूर्ण होती है कि विद्यार्थियों का विषय ज्ञान कैसा है। इसके साथ साथ
पाठ योजना में विद्यार्थियों के संदर्भ में एक बहुत महत्वपूर्ण बात होती है जिसके ऊपर प्रायः शिक्षक ध्यान नहीं देते, वो है कि विद्यार्थियों की अपनी भाषा का कक्षा में प्रयोग करने की संभावना को तय करना। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है कि जो विद्यालय की भाषा है वो और जो विद्यार्थियों की भाषा है, यदि वो पृथक हैं, अर्थात विद्यार्थियों की मातृभाषा विद्यालय की भाषा से पृथक है, तो क्या विद्यार्थियों की मातृभाषा को उनकी कक्षा में प्रयोग किया जाना संभव हो सकता है? विद्यालय की भाषा में यानी मानक भाषा में उन शब्दों से संबंधित करना जो विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में इस्तेमाल करता है, यदि ऐसा संभव हो पाता है तो विद्यार्थियों के न केवल शब्द भंडार में वृद्धि होती है बल्कि वो अनुवाद और जैसे कौशलों में भी निपुण हो सकते हैं, और इसके साथ साथ उनमें अपनी भाषा को लेकर जो आत्महीनता हो सकती है उसको लेकर उनमें कहीं ना कहीं आत्मविश्वास भी पैदा हो सकता है। तो विद्यार्थियों की अपनी भाषा को कक्षा में प्रयोग करने की संभावना जरूर शिक्षक को पाठ योजना निर्धारित करते समय रखनी चाहिए। इसके साथ साथ कई विद्यार्थी अत्यधिक जिज्ञासु प्रकृति के होते हैं, वो और अधिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसे विद्यार्थियों के लिए उन्हें अतिरिक्त सुविधा देने के लिए क्या अवसर उपलब्ध कराए जा सकते हैं? पंचम घटक जो पाठ योजना का होता है वो है संसाधन यानी रिसोर्सेज। रिसोर्सेज दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, इंद्रियजन यानी हार्डवेयर और अनुभवजन यानी सॉफ्टवेयर। इंद्रियजन संसाधनों में शिक्षक जिन संसाधनों का प्रयोग कर सकता है वो है उनकी टेक्स्ट बुक, उनकी वर्कबुक, लेखन सामग्री जो अन्य संसाधनों से ली जा सकती है, चार्ट, चित्र, श्यामपट, संकेतक इत्यादि। अनुभवजन्य संसाधनों में विद्यार्थियों की सीखने की इच्छा, विद्यार्थी कितने ज़्यादा सीखने के लिए इच्छुक हैं, यह भी शिक्षक को पाठ योजना का नियोजन करते समय ध्यान रखना होता है। विद्यार्थियों की न केवल इच्छा, उनकी जिज्ञासा का स्तर। यदि विद्यार्थी जिज्ञासा प्रकट नहीं करते तो शिक्षक को यह तय करना होता है कि वो कौन सी प्रविधियों का इस्तेमाल करेगा कि विद्यार्थियों के अंदर पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए, उस पाठ्य वस्तु का अध्ययन करने के लिए रुचि और जिज्ञासा उत्पन्न की जा सके। इसके साथ साथ अनुभवजन्य संसाधनों में शिक्षक की अपनी शिक्षण योग्यता भी महत्वपूर्ण होती है, उसकी अपनी क्षमता, उसका अपना विषय ज्ञान। बिना इन के शिक्षण प्रभावी नहीं हो सकता, पाठ योजना प्रभावी नहीं बनाई जा सकती। तो शिक्षक की शिक्षण योग्यता, शिक्षक को अपनी शिक्षण की क्षमता पर और अपने विषय के ज्ञान पर कार्य करना होता है पाठ योजना बनाने से पूर्व। छठा घटक जो महत्वपूर्ण घटक है पाठ योजना का वो है मूल्यांकन। मूल्यांकन क्यों जरूरी है? क्योंकि जिन भी उद्देश्यों की प्राप्ति की गई, जिन भी उद्देश्यों का निर्धारण किया गया, उनकी प्राप्ति किस सीमा तक हो पाई। जब तक मूल्यांकन नहीं होगा तब तक हम पता ही नहीं कर सकेंगे कि हमारे उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हो पाई। मूल्यांकन करते समय शिक्षक को ये ध्यान रखना होता है, ये देखना चाहिए कि शिक्षण अधिगम परिस्थितियों में विद्यार्थियों की सहभागिता कितनी थी, अर्थात विद्यार्थियों ने कितनी इच्छा जिज्ञासा प्रकट करी और किस प्रकार रुचिपूर्वक भाग लिया क्या या नहीं लिया। इसके साथ साथ सीखने के प्रति विद्यार्थियों का दृष्टिकोण कैसा था, क्या वो बहुत उत्सुक थे या वो बिल्कुल उत्सुक नहीं थे या वो तटस्थ थे, तो इस प्रकार से यह भी देखना महत्वपूर्ण होता है कि शिक्षक ने जो योजना बनाई, जिसको प्रस्तुत किया, उसको सीखने के प्रति विद्यार्थियों का दृष्टिकोण कैसा रहा। इसके साथ साथ जो
उद्देश्य निर्धारित किए गए थे, ज्ञानात्मक, कौशलात्मक, रचनात्मक, अभिवृत्त्यात्मक, उन समस्त उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हो पाई? क्या वो सभी उद्देश्य पूरे हो सके, या कुछ उद्देश्यों की प्राप्ति हो सकी और कुछ उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो सकी? तो जिन उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो सकी, उसके लिए शिक्षक क्या प्रयास करेगा? अर्थात कारण जानकर प्रोत्साहित करने की, विद्यार्थियों को पुनः सीखने के लिए प्रोत्साहित करने की किस विधि का प्रयोग वो करेगा? इसके साथ साथ उन वैकल्पिक व्यवस्था क्या होगी? अगर विद्यार्थी शिक्षक द्वारा पढ़ाए गए तरीके से नहीं सीख पा रहे हैं, तो वो इसके लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था कर सकता है, अर्थात क्या उपचारात्मक विधियों का इस्तेमाल कर सकता है? मूल्यांकन में एक महत्वपूर्ण पक्ष होता है प्रदत्त कार्य, यानी असाइनमेंट। असाइनमेंट का आधार क्या होगा, यह भी पाठ योजना निर्धारित करने से पूर्व या पाठ योजना का नियोजन करने से पूर्व शिक्षक को तय करना होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने आज देखा कि पाठ योजना के कौन कौन से घटक होते हैं और उन घटकों के अंतर्गत किन किन बिंदुओं का ध्यान शिक्षक को रखना होता है। तो दोस्तों, आज के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।